हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम कटारी इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत। मैं मुकेश कटारे। दोस्तों, 2019 की जो मुख्य परीक्षा है होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली है कि एज पर डेट हो जाए। इसमें एक टॉपिक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ये 3 मार्कर में भी आ सकता है, 6 नंबर में भी आ सकता है और 15 नंबर में भी आ सकता है। पेपर जो 3B है उसका ये टॉपिक है, इकोनॉमिक्स वाले का। तो इसमें हम ये देखेंगे आज के इस लेक्चर में कि किस प्रकार से हम इसका एक मॉडल आंसर लिख पाएँ जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग हो जाए। ठीक, होता क्या है कि कई सारे स्टूडेंट जो पहले भी उन्हें अवसर मिला कि मुख्य परीक्षा में बैठे, मगर मार्किंग उतनी अच्छी नहीं हो पाई कि वो इंटरव्यू कॉल के लिए एलिजिबल हो जाते, या इंटरव्यू हुआ भी तो अच्छे नंबर नहीं मिल पाए। तो उसके लिए 2-3 कमियां उन्हीं की रहती हैं, उनको स्वयं में उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पहले तो क्या होता है कि अगर हम 3 नंबर के जो क्वेश्चन की बात करें, तो इस 3 नंबर में ज़्यादातर लोग जो आंसर करते हैं एक लाइन में कर देते हैं, या 2 लाइन कवर कर लेंगे मगर लिखेंगे वो एक ही बात। तो आपको एक बात नहीं लिखनी है, ये मैंने अक्सर बताया हुआ है कि आपको इसके लिए 3 फैक्ट लिखने हैं। 6 नंबर में इस बार काफ़ी हॉच पॉच वाली सिचुएशन बना रखी है आयोग ने। पहले 9 लाइनें दी थी, फिर उन्होंने 13 लाइन दे दी है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि नीचे जो ब्लैंक स्पेस मिलेगा उसका भी यूज कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि पूरा एक पेज है, तो एक पेज में हमें ये कंप्लीट करना है। और 15 नंबर के क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी मिस्टेक देखने को मिलती है कि कोई भी क्वेश्चन है, स्टूडेंट डायरेक्ट लिखना शुरू कर देता है। जैसे अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ही पूछा जा रहा है, तो वो सीधा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ही शुरू कर देता है और ख़त्म कर देता है। यानी इसमें ना तो उसकी तरफ से इंट्रो लिखा जाता है और ना ही इसका कोई कंक्लूजन किया जाता है। उसे जैसा था वैसा बना के आ जाते हो, तो उस हिसाब से नंबर नहीं मिलते हैं, है ना। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और ये सब चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस करते जाओगे। प्रैक्टिस से आप अपने आप से एक अच्छा आंसर लिखना सीख जाते हो। समय समय पर मैंने यहाँ पर भी बताया है, अपनी क्लासेस में भी बताता हूँ, टेस्ट सीरीज में भी उनके उदाहरण लेकर के भी आपको बताते रहें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर जो प्रश्न आएगा, हमें इससे संबंधित कौन सी चीज़ें तैयार करना है, हमें तैयार करना है कि इसका अर्थ क्या होता है या यह क्या है, राइट। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसका विकास डेवलपमेंट, वर्तमान स्वरूप जो है, इसकी जो कार्य प्रणाली है कि केंद्र सरकार इसमें क्या रोल रखती है, राज्य सरकारों की क्या भूमिका है, इससे क्या बेनिफिट होते हैं, इसके सामने कौन सी चुनौतियां हैं या इसके कौन कौन से डीमेरिट्स हैं, इसमें हो सकता है वो आपके सुझाव भी मांगे। तो सही तरीका यही होता है तैयारी करने का कि जहां पर पॉसिबिलिटी बने वो सारे टॉपिक आप क्लियर कर लो, जितना क्वेश्चन में आएगा उतना आप लिख देंगे, है ना। तो चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, हमारा जो देश है, राष्ट्र है, वो कैसा है, इसे हम पब्लिक वेलफेयर के नाम से जानते हैं। पब्लिक वेलफेयर का अर्थ हो जाता है लोक कल्याणकारी राष्ट्र है। अब लोक कल्याणकारी राज्य है तो लोगों का कल्याण कैसे होगा? जो भी योजना बनाई जाएगी लोक हित में बनाई जाएगी, लोगों के लिए बनाई जाएगी, सरकार अपने लिए उसको नहीं बनाएगी। तो इसलिए उसे हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं, ओके। अब यह जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसी के लिए स्टार्ट किया गया लोक कल्याणकारी राज्य। चूंकि आप ऐसा लिख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज या लोकतांत्रिक सरकारों का एक जवाबदेही होती है या दायित्व तो होता है कि वो अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे, जिसमें भोजन, आवास ये प्रमुख है। उसी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लाया गया। ठीक, अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, इसके मोटे तौर पर ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो मोटे तौर पर ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि समाज में वह वर्ग जिसकी क्रय शक्ति
परचेजिंग पावर जो है वो कम है या नहीं है। तो क्रय शक्ति कम होने के कारण सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा जो राजकीय सहायता दी जाती है उसी को हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से जानते हैं। एक प्रकार से इनडायरेक्टली वही काम करती है। तो इसका जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य यही है कि समाज के कमजोर वर्ग जो है, वीकर सेक्शन जो है, उसके लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना, किस मूल्य पर? उचित मूल्य पर। इन्हें हम उचित मूल्य की दुकानें भी कह देते हैं। ठीक, इसके साथ साथ इसका उद्देश्य ये भी है कि मान के चलो किसी कारण से फसल खराब हो जाती है, तो फसल खराब होने की स्थिति में जो मूल्य वृद्धि होगी, क्योंकि सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, तो मूल्य वृद्धि की स्थिति से वे लोग प्रभावित होते हैं। तो उस प्रभाव को कम करना, व्यापारियों में जमाखोरी की प्रवृत्ति पाई जाती है, मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो उससे बचाना, उससे संरक्षित करना। और मेन यही है कि गरीबी का जो हमारे देश में प्रतिशत है, तो गरीबी के प्रतिशत में समग्र कमी करना, प्रतिशत में समग्र कमी करना। देखो दोस्तों, होता क्या है ना कि कई सारे पॉइंट आपके मन में और उठते होंगे, आप उनको भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम वो पॉइंट लिखें या छोड़ दें, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ आवश्यक वस्तुओं की मात्रा और पूर्ति में संतुलन बनाए रखने के लिए ये प्रणाली शुरू की गई। ओके, अब इसकी कार्य प्रणाली मतलब ये कैसे काम करती है, देन फिर हम इसमें और पॉइंट देख लेंगे। या पहले हम ऐसा देख लें कि इसका विकास कैसे हुआ था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, फिर चलेंगे इसके वर्किंग प्रोसेस को समझने के लिए। अगर मेजर हेडिंग आप डालते हो, बड़ी हेडिंग डालते हो, तो अपनी कॉपी के सेंटर में डालो, बीचों बीच में डालो। तो इसको आप बीच में लिख सकते हैं विकास। किसका विकास? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास या प्रारंभ। इसकी शुरुआत होती है 1900, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ आपको सिनॉप्सिस बताता जाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको पूरा लिख सकते हो, दूसरे हमारे नोट्स लेकर के आप तैयार कर सकते हो। 1960 का जो दशक था, उस 1960 के दशक में इसकी शुरुआत की गई। मेन रूप से, मुख्य रूप से जो शहरी क्षेत्र था, अर्बन एरिया जो है, उस शहरी क्षेत्र में जो खाद्यान्न की कमी है, तो उस खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए इसको प्रारंभ किया जाता है, 60 का दशक। ठीक, आगे चल करके क्या होता है कि 1970 और 1980 में, है ना, 70 और 80 के दशक में, चूंकि हमारे देश में हरित क्रांति हो चुकी है, और हरित क्रांति कब हुई है? तो हरित क्रांति हुई थी जब तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई, फेल हो गई। रीजन इसके पीछे ये था तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने का, क्योंकि चीन के साथ युद्ध हो जाता है, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है, एक सूखा पड़ जाता है, तो हमारे पास पैसा नहीं था। तो हमारे सरकारों के द्वारा, नीति निर्माताओं के द्वारा 3 1-वर्षीय योजनाएं जो हैं वो शुरू की गई थी। ओके, तो वो जो 3 1-वर्षीय योजनाएं जो शुरू की गई थी, उन्हीं दौरान क्या हुआ है? उन्हीं दौरान हुई है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति की वजह से हमारा जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है, खाद्यान्न उत्पादन है, वो बढ़ चुका है, 1.5 से 2 गुना तो फायदा हुआ ही है। ऐसी स्थिति में अब चूंकि अनाज खाद्यान्न की उपलब्धता ज्यादा हो जाती है, तो 70 80 के दशक में अब क्या किया जाता है? ड्यू टू एक्सेस प्रोडक्शन, यानी अत्यधिक उत्पादन देन, इस अत्यधिक उत्पादन के कारण अब सिर्फ शहरी क्षेत्र में इसकी कमी को पूरा करने की नहीं, इसका दायरा और बढ़ा देते हैं, और उन इलाकों को ले लिया जो कि निर्धनतम थे। निर्धनतम यानी कि गरीबी जहाँ व्याप्त थी,
और कौन से इलाके जनजातीय विकास खंड को इसके दायरे में सम्मिलित किया जाता है। 1970-80 के दशक में अधिकतम या अत्यधिक निर्धनता वाले जनजातीय ब्लॉकों तक इस योजना का विस्तार कर दिया गया। अब आगे चल करके क्या होता है, इसको रिवाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी इसे हम लिखना चाहें तो RPDS कर सकते हैं। R से मतलब है रिवाइज्ड, यानी कि पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये कब नाम रखा गया है, ईयर 1992 में, जून 1992 में। देश के सबसे पिछड़े जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक यानी विकास खंड, 1775 देश के जो पिछड़े ब्लॉक हैं उनको इसके दायरे में लाया जाता है ना, पिछड़े ब्लॉक। साथ ही साथ इसमें और किस किस को रखा जाता है, तो इसमें आ जाता है वो क्षेत्र भी जहाँ पर सूखा, यानी कि सूखा आशंकित या सूखा प्रभावित रीजन को भी, ड्रॉट प्रोन एरिया कह सकते हो, उनको ले लिया गया। रेगिस्तान, रेगिस्तान चूंकि यहाँ वैसे ही उपज कम होती है, उनको भी इसमें ले लिया जाता है। प्लस पहले क्या किया था, निर्धनतम जनजातीय ब्लॉक को लिया, अब सारे ही जनजातीय ब्लॉकों को उसमें ले लिया जाता है, जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र। ये भी इस रिवाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आ गया। देन इसमें जो हिली एरियाज हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र अत्यंत दुर्गम होता है उनके यहाँ पर जीवन यापन करना, उनको भी लिया गया। और शहरों में शहरी जो मलिन बस्तियां हैं उनको भी इसके दायरे में रख लिया जाता है। तो 92 में, यानी ये जो को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 60 के दशक से शुरुआत हुई, 70-80 में इसने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया, 92 में इसे रिवाइज्ड किया गया, और रिवाइज्ड करने के बाद ये और बड़े इलाके में पहुंचा दी जाती है। इस रिवाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या किया जाता था, मुख्यतः दो फसलें थी, यानी खाद्यान्न जिन्हें हम कहते हैं गेहूं, और दूसरा है चावल, व्हीट एंड राइस। तो गेहूं और चावल जो है, जितनी सरकार की लागत लगती थी उससे 50% कम दाम पर ये निकाल के दिया जाता था, और 20 किलोग्राम मिलता था एक परिवार को। अच्छा, इसी समय, ये कब की बात बता रहे हैं, रिवाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, कि कुछ राज्य सरकारें यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है, ये तो केंद्र सरकार दे रही है गेहूं और चावल, कुछ राज्य सरकारें इसमें एड ऑन कर देती थी। किस चीज़ का एड ऑन करती थी, उनकी ओर से कहीं पर चाय, चाय मतलब चाय की जो पत्ती रहती है उसका साबुन, राइट, दालें भी, नमक, वेरिएशन रहेगा, ऐसा नहीं बोल सकते कि यूनिफॉर्म है सारे राज्य सरकारों में ऐसा चल रहा है। नमक है ना, कहीं पर इवन कपड़े तक भी वितरित किए जाते थे, तो ये भी रियायती दरों पर देना शुरू कर दिया। जब रियायती दरों पर ये देना शुरू किया तो आगे चल करके एक सम्मेलन हुआ, अगला सम्मेलन होता है मुख्यमंत्रियों का, और ये सम्मेलन हुआ है जुलाई 1996 के आसपास हुआ है। इस जुलाई 1996 में सारे देश के मुख्यमंत्री बैठे, इस योजना पर चर्चा हुई कि ये योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में पीछे रह गई है, तो क्या करना चाहिए, बोला इसमें फिर से कुछ चेंज करो, कि जो टारगेटिव ग्रुप है जिसके लिए योजना प्रारंभ की गई है उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। तो इस सम्मेलन में कुछ मुद्दे तय किए गए, और उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जून 1997 में, जून 1997 में इस रिवाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नया नाम जो है वो क्या कर दिया गया, TPDS कर दिया गया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम,
हिंदी करें इसका हम, तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये शब्द जोड़ दिया इसमें लक्षित। अब लक्षित यानी कि किसे टारगेट बनाएंगे, तो टारगेट जिसे बनाया जाएगा उन लोगों की पहचान करने के लिए क्या किया जाता है, एक कमेटी बनाई गई कि लक्षित जिस व्यक्ति को हम ये राशन देना चाहते हैं उनकी पहचान के लिए एक लकड़ा वाला, इनका नाम आपने सुना होगा, गरीबी की रेखा का निर्धारण करने में इनका नाम आता है, तो लकड़ा वाला विशेषज्ञ समूह एक्सपर्ट का एक ग्रुप बनाया, टास्क फोर्स बना दिया, इनको जिम्मेदारी दी कि आप पता लगाओ कि देश में कौन व्यक्ति गरीब है, जो गरीब है जिसकी क्रय शक्ति कम है उसको हम इसका लाभ देंगे, क्योंकि अन्यथा हो ये रहा था कि ऑलमोस्ट हर व्यक्ति इन्हीं रियायती दरों पर सामान खरीद रहा है, जो इनकम टैक्स भर रहा है वो भी खरीद रहा है, जो नहीं कमा रहा है वो भी खरीद रहा है, जो कमा रहा है वो भी खरीद रहा है। तो अब लकड़ा वाला जो विशेषज्ञ समूह है उन्होंने सिफारिश की, बोला एक काम करो इसके दो पार्ट कर दो, एक APL अपर पॉवर्टी लाइन और दूसरा है BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी एक वो वर्ग है जो गरीबी की रेखा में नहीं आता है और दूसरा वो वर्ग है जो गरीबी की रेखा में आता है, इनको क्या किया जाए, बोला इनको राशन देंगे मगर इनको किस आधार पर देंगे, तो इन्हें आर्थिक लागत के आधार पर, ऐसा समझ लो जो MSP सरकार अनाउंसमेंट करती है, बोला इनको उस दर पर दो, और जो BPL है यानी जो गरीबी की रेखा के नीचे है इसे अनुदान यानी सब्सिडी यानी इसे सस्ता दिया जाए, इनके लिए अलग पहचान करने के लिए राशन कार्ड का कलर भी बदल दिया, नीले रंग के राशन कार्ड इनके होते थे और वाइट कलर के APL के होते थे, है ना, तो BPL को अधिक सब्सिडी मिलेगी ज़्यादा, और APL को कोई सब्सिडी नहीं देंगे, सरकार का जितना खर्चा है उतना तो उनसे लिया जाएगा, तो इसे बोला गया लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जून 1997 से स्टार्ट हुई, हमने विकास भी देखा है और इसका डेवलपमेंट भी देख रहे हैं। आगे क्या होता है, आगे सन 2000 में एक और योजना इसी से संबंधित है जिसे कहा जाता है अंत्योदय अन्न योजना, सन 2000 में यह प्रारंभ की गई, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी। यहां यह योजना उन लोगों के लिए है जो गरीब से गरीब यानी गरीब में भी गरीबतम, उसको टारगेट करेंगे, उसको लक्षित करेंगे। NSSO के द्वारा ये बताया गया अपना सर्वे के द्वारा कि देश में 5% ऐसे लोगों की संख्या है जो दोनों समय का भोजन भी नहीं मिल पाता है उन्हें, तो बोला इन लोगों के लिए अंत्योदय अन्न योजना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ इस टारगेटिव ग्रुप में 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए किलो की दर पर क्या किया जाएगा, अनाज दिया जाएगा। 3 रुपए ये कीमत रखी चावल की 1 किलोग्राम की, 2 रुपए ये रखी गेहूं की, और 1 रुपए रखा मोटे अनाज, ये वितरित करेंगे, और कितना अधिकतम 35 किलोग्राम दिया जाएगा। तो ये अंत्योदय अन्न योजना चलती रही। इस अंत्योदय अन्न योजना से लाभ भी होते हैं, वो नंबर यदि आप लिख पाते हैं तो और भी अच्छा इफेक्टिव हो जाता है। 2014 तक के अगर हम डाटा देखें तो लगभग देश में 242 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है ना, अभी ये खत्म नहीं हुआ डेवलपमेंट, अभी आगे भी चल रहा है, तो आगे क्या डेवलपमेंट होता है, तो आगे का डेवलपमेंट देखें। आगे चल करके एक कानून बनाया गया जिस कानून को हम बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सन 2013 में ये बना, 13 में।
अब ये कानून बन जाता है कि कोई भी व्यक्ति भूख से तो नहीं मरेगा, इसके लिए संसद ने कानून बना दिया। तो यहाँ पर ये कहा गया इस कानून में कि वे लोग जिन जिनको प्राथमिकता दी गई है, यानी बीपीएल हाउसहोल्ड्स, यानी गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले जो परिवार हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 75% को कवर करेगा ये। और शहरी क्षेत्र की बात करें, अर्बन एरियाज की बात करें, तो ऐसे 50% लोगों को ये कवर करेगा। और इनको क्या किया जाएगा, वही जो अंत्योदय योजना में प्रावधान था, 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये पर किलोग्राम की दर पर चावल, गेहूं, मोटे अनाज का वितरण किया जाएगा। तो ये हो गया। एक अपडेट लास्ट में और जोड़ सकते हो, जो अभी कोरोना का जब लॉकडाउन पीरियड था, वन नेशन वन राशन कार्ड वाला जोड़ सकते हो। मतलब कोई नया नहीं है, पीडीएस का ही है कि जिस व्यक्ति का राशन कार्ड है वो कहीं से भी अपने लिए राशन ले सकता है, उसको जोड़ सकते हो। तो ये तो हो गया क्या विकास, पीडीएस सिस्टम, ऐसे काम यहाँ तक इस स्टेज में पहुँच गया। अब पीडीएस सिस्टम में कार्य प्रणाली क्या है, तो कार्य प्रणाली भी बता देता हूँ। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो आप थोड़ा सा अगर इसको शेयर कर सकते हैं अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, लाइक कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट हो जाता है, तो जिससे हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो तुरंत लेके आ सकते हैं। ओके, देखो कार्य प्रणाली पर आते हैं कि कैसे ये सिस्टम काम करता है पीडीएस वाला। अगर पूछेंगे हमसे तो हम कार्य प्रणाली लिखेंगे, नहीं पूछेंगे तो हमें बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा जॉइंटली चलाई जाती है, क्योंकि दोनों की भागीदारी है इसमें, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का इसमें भागीदारी है, कंट्रीब्यूशन है। दोनों के अगर एक भी पीछे हट जाएगा तो ये नहीं चलती है। केंद्र सरकार का मोटे तौर पर इसमें ड्यूटी है कि वो खाद्यान्नों को खरीदेगी, यानी गेहूं और चावल, इनका परिवहन करेगी, परिवहन करने के बाद इनका स्टोरेज, भंडारण, और भंडारण के बाद फिर जो सब्सिडी दी जाती है ना, अनुदान, केंद्र सरकार उसको वेयर करेगा, कितने सस्ते पर दिया जा रहा है। बाजार में यदि 20 रुपए किलो गेहूं है, सरकार क्या बोलती है कि हम आपको 2 रुपए किलो दे देंगे, तो बीज का जो 18 रुपए है वो सरकार अपनी जेब से देगी, इसी को अनुदान या सब्सिडी कह देते हैं। अब सरकार ये काम कैसे करवाती है केंद्र सरकार, तो इसके लिए एफसीआई जो है, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इनके द्वारा इसका भंडारण, रख रखाव किया जाता है। राज्य सरकार की क्या भूमिका रहती है, तो राज्य सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप क्या करेंगे, आप उन लोगों की पहचान करेंगे जिनको यह राशन दिया जाना है, यानी लक्षित वर्ग की पहचान करना। पहचान करेंगे तो फिर उनके लिए राशन कार्ड बनाएंगे, ये काम राज्य सरकार का होता है। और वितरण करना, सामग्री केंद्र सरकार से मिल जाएगी, देन अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे। तो इस तरीके से ये काम करती है। उचित मूल्य की दुकान या सार्वजनिक मूल्य की दुकानों के नाम से इनका नेटवर्क बना हुआ है, लगभग 5 लाख रिटेल शॉप बनी हुई है, उनके माध्यम से ये सारा सामान विक्री किया जाता है। क्लियर हो गया ये बात। अब देखो, अगर वो आपसे पूछते हैं कि लाभ, तो अलग बात है, आप भी लिख सकते हो, लेकिन यदि इसकी समस्याएं, इसकी कमियां, इसकी आलोचना पूछते हैं तो हम क्या करेंगे, तो मैं उस पॉइंट को बता देता हूं आपको कि अगर आलोचना आ जाती है तो आलोचना में हम क्या करेंगे। ओके,
समस्याएं या आलोचनाएं, कुछ भी समझ लो। देखो इस प्रणाली में हो क्या रहा है, इसके मार्ग में आने वाली समस्याओं की जांच के लिए सरकार के द्वारा एक बाधवा आयोग या बाधवा समिति बनाई गई और उस बाधवा समिति ने अनेक सिफारिशें दी। हम ऐसा देखेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मार्ग में आने वाली बाधाओं का पता करने के लिए बाधवा समिति का गठन हुआ, जिसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं। तो हम उन्हीं की सिफारिशों को लिख देते हैं, कुछ उनकी कुछ अपनी तरफ से, लेकिन नाम उनका चलेगा, क्योंकि सिफारिश मतलब जो समस्याएं बताई, उस जो उन सिफारिश नहीं, समस्याएं जो बताई वो समस्याएं वही हैं। समस्या ये आती है इस पीडीएस सिस्टम में कि इसमें गेहूं और चावल पर तो ध्यान दिया गया है, अन्य जो क्रॉप्स हैं, अन्य फसल जो हैं, उनकी उपेक्षा की गई है। मोटे अनाज को लिख जरूर देते हैं कि 1 रुपए किलो में मिलेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम किया जाता है। ये इसकी समस्या है भाई, इसको भी लिया जाना चाहिए। दूसरी समस्या जो देखने को ये मिली कि राशन कार्ड आधारित लोगों को ही राशन मिलेगा, और राशन कार्ड किसका बनता है, उसका बनता है जिसका घर हो, यानी घरेलू व्यक्तियों का बनेगा। वे लोग जिनका घर नहीं है, बेघर हैं, आवासहीन जो हैं, तो उनके लिए तो ये किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं कर पाती है, उनको कवर नहीं कर पाती है। वाधवा समिति ये कहते हैं कि राशन कार्ड बनवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, घूसखोरी व्याप्त है। तो पहले तो अगर जेन्युइन राशन कार्ड बनवाते हैं तो भी रिश्वतखोरी लगती है, और कुछ लोग अयोग्य हैं वो भी राशन कार्ड बनवा लेते हैं। वाधवा समिति ने बताया था कि लगभग 2.3 करोड़ जो राशन कार्ड हैं फर्जी हैं, फ्रॉड हैं, जिन्हें जरूरत नहीं है उनके भी बने हुए हैं। तो दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि 1.25 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनका होना चाहिए था लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं है, पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड का ना होना, ये भी समस्या आ जाती है। फिर आता है कि देखो होता क्या है, कभी भी आपने देखा होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो राशन दिया जाता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है, यानी कि घटिया क्वालिटी का सामग्री प्रदान की जाती है, घटिया गुणवत्ता। ये कैसे होता है, तो इसमें लीकेज हो जाता है। वेयर हाउस से अच्छा अनाज चला था, बीच में सांठगांठ कर ली व्यापारियों से, उनका जो सड़ा हुआ अनाज है वो एक्सचेंज कर दिया और अच्छा वाला वो ले गए, और खराब वाला ऐसे वितरण किया जाता है, तो गुणवत्तापूर्ण अनाज का वितरण नहीं किया जाता है। फिर क्या आता है कि चूंकि एफसीआई के गोडाउन में भी इनका जो रख रखाव है, भंडारण जो है, वैज्ञानिक तरीके से पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, खुले में पड़ा हुआ है, चूहे खा गए, घुन लग गया और वही बांट दिया जाता है, भींग गया अब उसमें फफूंदी लगी हुई है, ये सिस्टम आ जाता है। अगली इसमें समस्या क्या है, ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता का अभाव है। जैसे केरोसीन भी दिया जाता था, तो केरोसीन 35% भाग जो है इसका ब्लैक मार्केटिंग में चला जाता है, लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। राशन की ये दुकानें पूरे समय नहीं खुलती हैं, कुछ ही समय खुलेंगी। एक और समस्या जो बड़ी गंभीर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की समस्या, ट्रांसपोर्टेशन, बारिश के दिनों में तो रास्ते बंद हो जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं जाता है। तो ऐसे करके आप 8-10 समस्याएं वाधवा समिति के नाम से लिख सकते हो, है ना, कि ये इसकी समस्याएं हो जाती हैं। ओके, अब सुझाव यदि आपसे पूछे जाएं तो आप सुझाव दे सकते हो कि इसको कैसे अच्छा बनाया जाए, तो जो कमियां नजर आती हैं उनको दूर करने के लिए।
आईटी सेक्टर का यानी सूचना प्रौद्योगिकी से इसको जोड़ा जाए। इसमें ये कौन सी सब्सिडी में आती है? इनडायरेक्ट सब्सिडी में आती है। तो इसमें यदि संभव हो तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी योजना चलाई जाए। इसमें बायोमेट्रिक डाटा कंपलसरी कर दिए जाएं। अब ये किया जा रहा है बायोमेट्रिक वाला, जैसे आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खुलवाया जा रहा है और वहाँ पर फूड कूपन दिए जाते हैं, तो वो लिख सकते हो फूड कूपन किया जाए। प्लस जो जहाँ ये सामान अगर वेयर हाउस से निकल के आता है तो उसकी जीपीएस से मॉनिटरिंग की जाए कि जो एक्सचेंज वाला सिस्टम है, अगर किसी स्थान पर ज़्यादा देर तक रुकता है तो तुरंत उसको ट्रैक किया जाए। फिर करप्शन जो होता है ना, भ्रष्टाचार, तो इसके पीछे ये भी कारण है कि इससे संबंधित जो लोग हैं उनको कमीशन अच्छा नहीं दिया जाता, तो उन लोगों को उचित कमीशन पहले ही दिया जाए। जब उन्हें उचित कमीशन मिलेगा, ऊपर से कानून कठोर बन जाएगा, तो व्यक्ति करप्शन करने से डरेगा, है ना? तो ऐसे करके आप सुझाव दे सकते हो, लास्ट में एक निष्कर्ष लिख सकते हो। तो इस ढंग से हमें ये टॉपिक जो है वो तैयार करना है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और ये मान के चलो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सब्सिडी प्लस बफर स्टॉक, ये तीन ऐसे टॉपिक हैं, इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा ही, हर हालत में मिलेगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। मैं मुकेश कटारे, कटारे इंस्टीट्यूट से, अगली क्लास फिर आपको मिलेगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कर दें। थैंक यू, टेक केयर। कोई आपका डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करके छोड़ दीजिए। हम अगले वीडियो में उन सारे कमेंट को, जो कि एक वास्तव में इस टॉपिक से रिलेटेड है, जहां आपको कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं है, वो आपको बताई जाएंगी।